आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें आज की सुबह में फिर से एक बार परमेश्वर की महिमा स्तुति तारीफ करें, उसको धन्यवाद करें। उसने हमें जो जीवन दिया है आज के इस दिन में, परमेश्वर हमें जीवित रखा है, भला चंगा रखा है। हम चाहे जैसे भी परिस्थिति में जहाँ कहीं भी पाए जाते हैं, हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया, अपने हृदय की सच्चाई से परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा करें, उसके नाम को धन्यवाद करें। हालेलुया, 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 स्तुति तारीफ हो तेरे नाम की। जय जयकार करते हैं राजा, हालेलुया, तेरे नाम की बड़ाई स्तुति करते हैं, तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं पवित्र परमेश्वर। हालेलुया, 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 ग्लोरी टू गॉड, स्तुति तारीफ तेरी। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, एक एक व्यक्ति परमेश्वर के नाम की स्तुति करें, उसके नाम को धन्यवाद करें, उसके नाम की जय जयकार करें। हालेलुया, 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 अपने मनों को परमेश्वर की ओर उठाए, परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया, उसके नाम की स्तुति और बढ़ाई हुए। हालेलुया, वो जीवित परमेश्वर पीढ़ी से पीढ़ी तक युगान युग उसकी करुणा हमारे जीवन में बने रहती है, उसके नाम की स्तुति और महिमा होने पाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ पवित्र, 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 पवित्र परमेश्वर, तेरे नाम की जय जयकार करते हमारे जीवन के अंधकार और उज्याले को अलग करने वाला परमेश्वर, तेरे नाम की महिमा करते हैं। हालेलुया, 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 तेरे नाम की जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, और तारीफ हो तेरी। जय, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय, पवित्र, 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 ओ सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, तेरे नाम की महिमा हो। हालेलुया, 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 स्तुति तेरी। जय, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय, ओ ग्लोरी टू गॉड परमेश्वर, धन्यवाद, 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 तू पवित्र खुदा है, तेरे नाम की जय जयकार करते हैं, तेरी स्तुति और बड़ाई करते हैं। हालेलुया, 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 ओ स्तुति तारीफ मेरे परमेश्वर, तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं। ओ पवित्र, पवित्र, पवित्र सेनाओं का यहोवा पवित्र परमेश्वर, तेरे नाम की जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, राजाओं का राजा प्रभु, तेरे नाम को धन्यवाद देते। हालेलुया, 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 तू हमारी चट्टान, हमारा शरण स्थान, हमारा दृढ़ गढ़ है मेरे परमेश्वर, तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं पवित्र खुदा। हालेलुया, 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 तू हमारे जीवन की ज्योति है मेरे परमेश्वर, तू हमारे जीवन को उद्धार करने वाला पवित्र परमेश्वर है। हालेलुया, 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 तू हमें छुटकारा देने वाले पवित्र प्रभु है। ओ तेरे बलवंत हाथों तले तूने प्रभु जी, हे मेरे परमेश्वर, इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी से छुटकारा दिया प्रभु जी, मेरे परमेश्वर, समुद्र को दो भाग करके प्रभु जी स्थल स्थल उन्हें पार किया मेरे परमेश्वर। ओ मरुभूमि और जंगल में मेरे परमेश्वर तू उनके साथ रहा प्रभु जी। ओ मेरे परमेश्वर, दिन को बादल के छाया में और रात में मेरे परमेश्वर अग्नि बन करके तूने उनकी अगुवाई किया मेरे परमेश्वर, हम तुझको धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, मन्ना और बटेर खिलाने वाला परमेश्वर, ओ चट्टानों में से पानी पिलाने वाला प्रभु, तेरे नाम की स्तुति और बड़ाई हो मेरे खुदावंद। हालेलुया, हमारे जीवन के कठिन परिस्थितियों में तू हमारे साथ रहने वाला प्रभु है, तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं पवित्र परमेश्वर। हालेलुया, 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 स्तुति और तारीफ हो, तारीफ हो तेरी। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, ओ राजाओं का राजा, सेनाओं का यहोवा प्रभु, तेरी जय, तेरी जय, तेरी बड़ाई हो राजा। हालेलुया, 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 तेरी आराधना और स्तुति होने पाए मेरे परमेश्वर। हालेलुया, हर एक जुबान मेरे परमेश्वर तुझको धन्य कहने पाए। हालेलुया, ओ स्तुति और बड़ाई हो खुदावंद। हालेलुया, तेरे नाम की जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, हम अपने जगह में खड़े होकर के परमेश्वर की आराधना स्तुति करें। हालेलुया, उसको धन्यवाद अपने हृदय से, ओ परमेश्वर को महिमा दे। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर स्तुति के योग्य, ओ स्तुति के सिंहासन में विराजने वाला परमेश्वर, अपने हाथों को उठा करके परमेश्वर की महिमा स्तुति करे। हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया उस सामर्थ से भरा हुआ परमेश्वर है, उसके नाम के तुल्य कोई नहीं। हालेलुया हालेलुया पवित्र परमेश्वर, हालेलुया स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, ओ पृथ्वी उसके पांव की चौकी है। हालेलुया ओ ग्लोरी टू गॉड, परमेश्वर तेरे नाम की महिमा करते हैं, ओ तेरे नाम की जय जयकार करते हैं। लाखों करोड़ों स्वर्ग दूत तेरी महिमा स्तुति ओ निरंतर करते रहते मेरे परमेश्वर, उसी सुर में प्रभु हम तेरी स्तुति और महिमा करते हैं, तेरी जय जयकार करते हैं। हालेलुया 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 ओ तेजोमय परमेश्वर तेरे नाम की जय जयकार जय जयकार जय जयकार, तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं प्रभु। हालेलुया तू महान और सामर्थी परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, एक एक कमजोर हृदय को प्रभु जी तू अपने स्तुति का सिंहासन बना मेरे परमेश्वर। हालेलुया एक एक हृदय तेरी महिमा करने पाए, एक एक जुबान तेरी जय जयकार करे। हालेलुया हालेलुया ग्लोरी टू गॉड, स्तुति तारीफ 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 तेरी तारीफ तारीफ हो ओ राजाओं का राजा पवित्र परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया रबा शमा रबा 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 ओ रिदा रबा लबा 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 ली बंदर रे 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 बे शमा रिंदर रे शमा री खबर रबा लबा 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 यंदोर डं देखी बेरो मा शमा यदोर मस्त की बंदर रबा शिना लबा थिंग बोर अंदर री बे शबर मा ये रे बे शमा ते खे मुंदर लबा 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 शबर अंदर री बे स्तुति तारीफ हो मेरे परमेश्वर। तेरी छे तेरी छे तेरी छे तेरी छे वे तेरे बे शमा री बे रमंदर रे बे शला बा ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया हालेलुया परमेश्वर का हाथों में समर्पित करते हुए उसकी आराधना स्तुति करें। हालेलुया ओ स्तुति तारीफ 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 मेरे परमेश्वर। हालेलुया रे मास्टर ओ मास्टर माशे बरी 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 शबर अंदर ले ले गाड़ स्तुति तारीफ खुदा। हालेलुया
प्रभु की, मेरे यीशु राजा की, पवित्र आत्मा प्रभु की, तेरी इच्छा तेरी चाहत मेरा मन सब करे, तेरी इच्छा तेरी चाहत मेरा मन सब करे, उठ प्रार्थना मेरी बन कर हर पल को सफल करे, उठ प्रार्थना मेरी बन कर हर पल को सफल करे, पवित्र आत्मा प्रभु की, मेरे यीशु राजा की, पवित्र आत्मा प्रभु की, कहलाम को सुनाना मेरा मकसद हो सद होना है, तेरे नाम को सुनाने पूरे देश में जाना है, तेरे नाम को सुनाने पूरे देश में जाना है, I'm not afraid of the dark.
के स्तुति के योग्य परमेश्वर है। आज की सुबह में प्रभु फिर से हम तेरे नाम की स्तुति और महिमा करते हैं। ओ राजाओं का राजा, सेनाओं का यहोवा, पवित्र परमेश्वर, जहां कहीं भी तेरी आराधना होती है परमेश्वर, तू वहां पर उपस्थित होता है। आज की सुबह में प्रभु जी खुदावन, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, जहां कहीं भी तेरे नाम से लोग प्रभु जी तेरी आराधना करते हैं यीशु मसीह, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं हर एक का हृदय आशीषित किया जाए, एक एक लोगों को अपने स्वर्गीय आशीषों से भर दे प्यारे पिता परमेश्वर, उनके जीवन के तमाम प्रकार के बंधन यीशु मसीह के नाम से टूटने पाए। प्यारे पिता परमेश्वर, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं इस आराधनालय के अंदर में जितने लोग पाए जाते हैं प्रभु जी, और जितने लोग आने वाले हैं मेरे परमेश्वर, एक एक लोगों को तेरे बलवंत हाथों तले समर्पित करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। हर एक प्रकार के संसारिक बातें यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए, हर एक का हृदय आजादी के साथ तेरी महिमा करने पाए, हर जुबान तुझको महिमा देने पाए। हालेलुया, तेरे नाम को जयजयकार करते हैं, तेरे पवित्र नाम को महिमा देते हैं। हालेलुया, क्योंकि तेरे तुल्य और कोई नाम नहीं है प्रभु। हालेलुया, तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। हर एक प्रकार की उलझाने वाली ताकत यीशु मसीह के नाम से दूर किया जाए। ओ प्यारे पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा एक एक लोगों को अपने वश में करके यीशु मसीह की आराधना करने के लिए तू सहायता और मदद कर। हालेलुया, ताली बजा करके परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया, ओ ग्लोरी टू गॉड, यीशु मसीह तेरे नाम की जय जयकार। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। Hallelujah! Hallelujah! राजाओं का राजा प्रभु तेरे नाम की महिमा करते हैं। Hallelujah! तेरी कार महिमा से तू जो खड़ा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला परमेश्वर, मनुष्य में तूने जन्म लिया, फिर से तू आने वाला यीशु मसीह तू आएगा। Hallelujah! जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा, आएगा यीशु आएगा, फिर से यीशु जग में तू आएगा, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा, मैंने में आकर तू बसा, लोगों को अपने Thank you.
हालेलुया हालेलुया ग्लोरी स्तुति तारीफ उसके नाम की जयजयकार हालेलुया। जो परम प्रधान के छाए उस स्थान में बैठा रहेगा वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा हालेलुया। अपने हृदय को अपने जीवन को परमेश्वर के उस छाया में ले आए हालेलुया हालेलुया ताकि आपके जीवन में परमेश्वर अद्भुत कामों को करने पाए, परमेश्वर आपके समस्याओं का निदान करने पाए हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर हमारे जीवन के चारों ओर अपने महिमा से घेरना चाहता है हालेलुया हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड स्तुति और तारीफ मेरे परमेश्वर तेरे नाम की जयजयकार करते हैं हालेलुया 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 हालेलुया। रखा है अपना हाथ।
ईश्वर तेरी आत्मा से भाग करके हम कहां जा सकते हैं इस दुनिया के अंदर में। हालेलुया, हालेलुया। एक एक व्यक्ति परमेश्वर से वो अपने जीवन को आशीषित करने के लिए अपने हृदय को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। हालेलुया, अपने हाथों को उठा करके परमेश्वर की आराधना और स्तुति करें। परमेश्वर से बोले, परमेश्वर तेरी आत्मा को अपना मुझको अपने वश में करने के लिए सहायता कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक एक व्यक्ति परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें, अपने हाथों को उठा करके पवित्रता और सच्चाई के साथ में, ईमानदारी और नम्रता के साथ में अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें, उसकी आराधना स्तुति करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ ग्लोरी टू गॉड, जहां कहीं हम जाते हैं, जहां कहीं भी रहते, परमेश्वर की आत्मा हमारे साथ, हमारे परमेश्वर अपनी उपस्थिति में हमें लिए चलने पाए। हालेलुया, ओ ग्लोरी टू गॉड, स्तुति और तारीफ हो मेरे परमेश्वर, तेरे नाम की महिमा स्तुति करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ ग्लोरी, स्तुति, तारीफ हो मेरे परमेश्वर। हालेलुया, रबा शमारे बारा बारा बाला बाला बा और इधर बारा बा शमारे इंदर बे को मंदिर बे शतर इंदर बाला 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 बा शिंदर बा ओ बाबा 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 शिदर इंदर बा शिदर लाला बाला 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 बा शकर इंदर बे योरो इंदर आस्तर इंदर बा शिखर माला इंदर बे शमारिया। ग्लोरी गॉड, स्तुति, तारीफ हो मेरे परमेश्वर, तेरे नाम की स्तुति और महिमा करते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Glory, hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Hallelujah, 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 Rabba Shiva, Rabba, 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 Rabba. Oh, glory to God, iske naam ko dhanyawad kare, hallelujah. Iske naam ko mahima de, hallelujah, 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 hallelujah. आइए अपने हाथों को उठा करके हम भाई नीलेश की अगुवाई में हम प्रार्थना करेंगे. हालेलुया. हमारे देश के लिए हम प्रार्थना करें, हमारे देश के युवाओं के लिए हम प्रार्थना करें. इन दिनों जो लोग बेरोजगारी के कारण से कई लोग आत्महत्या करते हैं, कई लोग निराशा में पाए जाते हैं. परमेश्वर हमारे इस देश के ऊपर में अपना अनुग्रह भेजने पाए. हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारी सरकार के मनसा को चलाने पाए. परमेश्वर हमारे इस देश के सारे आर्थिक गतिविधियों को अपने नियंत्रण में लेने पाए. सरकार जो भी नियम कानून बनाती है उसके द्वारा परमेश्वर इस देश के अंदर में रोजगार का सृजन करने पाए. जितने भी युवक और युवती आज बेरोजगार पाए जाते हैं, एक एक लोग अपने हाथों को उठा करके इस समय आप प्रार्थना करें. यदि यहाँ पर पाए जाते हैं, अपने हाथों को उठा करके ऊंची आवाज से आप प्रार्थना करें, परमेश्वर मुझको रोजगार मिलना है, परमेश्वर मुझको रोजगार दे, उपाय कर परमेश्वर. हालेलुया, 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 सब ऊंची आवाज से प्रार्थना करें. हालेलुया, परमेश्वर हमारे इस देश से बेरोजगारी को दूर करने पाए. आर्थिक संकट को परमेश्वर दूर करने पाए. हमारे इस देश के अर्थव्यवस्था को परमेश्वर अपने नियंत्रण में लेने पाए. जितने भी और सरकारी संस्थान पाए जाते हैं, वहाँ पर नियुक्ति होने के लिए सरकार की मंशा को बदलने पाए. हालेलुया, जितने भी रुकावट है यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए. हमारे झारखंड प्रदेश की सरकार को अपने नियंत्रण में लेने पाए, ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार मिले. हालेलुया, प्रार्थना करें हमारे इस देश के अंदर में, हमारे राज्य के अंदर में सुसमाचार का प्रति होने पाए. सुसमाचार को प्रचार होने के लिए हम प्रार्थना करें परमेश्वर अपने दास दासियों को बड़ी सामर्थ्य के साथ इस्तेमाल करने पाए, और हर एक प्रकार की रुकावट यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए. हालेलुया, लोगों का जीवन बदलने पाए, लोगों की मानसिकता बदलने पाए. ऐसे सुसमाचार के विरुद्ध में ऐसी एकता और ऐसी युक्तियां यीशु मसीह के नाम से टूटने पाए. हालेलुया, हालेलुया, रब्बा शिवा, रब्बा शिवा, रब्बा शिवा, रब्बा शिवा, रब्बा शिवा. Hallelujah, 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 Raja, Raja, hallelujah, 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 hallelujah. O Raja, O Raja, Samarthi, Pavitra, Parmeshwar, hallelujah, Rabba Shaba. O Riba, Baba, 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 Mama, Mama, Mandir, Dibi, Shanda, Karada, Bo, Shaba, Lala, Bandir, Dibi, Shaba, Laba. O Mere Pyare, Parmeshwar, Prabhu, hallelujah, 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 hallelujah. Apne Darvayo, Par, Tarash, Khane, Wala, Parmeshwar, Prabhu, Hum, Tere, चरणों में आते. हालेलुया, 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 राजा, 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 राजा. ओ मेरे प्यारे पवित्र परमेश्वर, हम तुझको पुकारते मेरे पिता. हालेलुया, ओ तेरा वचन कहता प्यारे परमेश्वर, जैसा राजा दाऊद ने कहा कि जब जब मैंने यहोवा को पुकारा तब तब उसने मेरी सुन ली. हाँ मेरे खुदा, इस घड़ी हमारे एक को तुझे पुकारते मेरे प्यारे परमेश्वर, तू हमारे एक की प्रार्थनाओं की ओर अपना कान को लगाता है. हालेलुया, हमारे एक मनोकामनाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर पिता, इस घड़ी हम प्रार्थना करते प्यारे परमेश्वर प्रभु. आज ऐसे कई जवान पाए जाते पिता, आज ऐसे कई परिवार है मेरे पिता, जहां पर प्यारे परमेश्वर रोजगार की आवश्यकता है प्रभु. कई जवान प्यारे परमेश्वर अपने इंटरव्यू में, ओ प्यारे परमेश्वर अपना कॉम्पिटिशन एग्जाम में प्रभु अनसक्सेस हो जा रहे मेरे प्यारे परमेश्वर, सफल हो जा रहे प्रभु. उनका जीवन निराश होता चला जा रहा है मेरे पिता. ओ प्यारे परमेश्वर, जो तेरी ओर आशा लगा हुए मेरे खुदा, तेरा वचन कहता तेरी आशा कभी नहीं टूटेगी. हाँ प्रभु, ऐसे जवानों को हम ब्लेस करते अब्बा, ऐसे जवानों के लिए हम प्रार्थना करते मेरे खुदा. ऐसे जवानों को प्रभु तो प्यारे परमेश्वर सफलता दे प्रभु, ऐसे जवानों से होकर बातचीत कर रबा शबा लबा लबा. और प्यारे परमेश्वर, ऐसे जवानों को पिता परमेश्वर प्रभु तू जॉब से ब्लेस कर मेरे पिता, ऐसे जवानों को रोजगार से ब्लेस कर प्रभु, ऐसे जवानों को उत्साहित कर मेरे रबा शबाला बालाबा. ओ रिखा बाबा बाबा मामा मशा बालाबा. ओ मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु, हम प्रार्थना करते हमारे इस चर्च के जवानों के लिए प्यारे परमेश्वर, हो सके यहाँ पर उपस्थित है पिता. ओ ऐसे कई जवान है प्रभु जो आशा लगाए हैं कि तू हमारी प्रार्थना को सुनेगा. ओ प्रभु, तू हमें ओ गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस करेगा. कई आशा लगाए हुए प्रभु, कई अपने एग्जाम दे रहे हैं मेरे पिता. इस घड़ी प्यारे परमेश्वर, इस कलीसिया में जितने जवान हैं, ओ इसी घड़ी एक एक को प्रभु
अपनी आत्मा से परिपूर्ण कर। एक एक के लिए प्यारे परमेश्वर तू नौकरी को उपाय कर रबा, ओ प्यारे परमेश्वर, ताकि ये गवाही देने पाए। ओ मेरे प्यारे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा, हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री को प्रभु हम तेरे हाथ में समर्पित करते हैं, तमाम मंत्रिमंडल को प्रभु हम तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। प्रभु तूने बुद्धि और ज्ञान दे पिता, यूसुफ के नाई प्रभु शासन करने वाली आत्मा दे प्रभु। ओ पिता परमेश्वर, यूसुफ के अंदर जो आत्मा थी प्रभु, आज वही आत्मा हमारे प्रधानमंत्री के जीवन में भी दे मेरे पिता, ताकि वो तेरा भय के साथ में शासन करने पाए, तेरे अनुग्रह का दृष्टि में शासन करने पाए। ओ प्यारे परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं, आज जगह जगह पर विरोध चल रहा है प्रभु, कई लोग प्यारे परमेश्वर प्रभु तेरे लोगों को सताते हैं, तेरे चर्च में प्रभु वो अननेसेसरी घुसते हैं प्रभु, और तेरे चर्च तेरी आराधना को रोकने का प्रयास करते हैं पिता। ऐसे एक तमाम कलीसियाओं के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं ऐसे तमाम विरोधियों के जीवन को प्रभु बदल दे प्रभु। ओ प्यारे परमेश्वर, उस घटना को याद करते हैं प्रभु, ओ शाऊल भी प्यारे परमेश्वर तेरे लोगों को सताता था, ओ तेरे चर्च में तेरी आराधना में घुसकर लोगों को घात करता था, ओ मेरे प्यारे परमेश्वर, लेकिन तूने प्रभु उसके जीवन को बदल दिया। आज वही आत्मा प्यारे परमेश्वर विरोधियों के जीवन में भी दे, ताकि उनका जीवन भी बदल जाए रबा, ओ उनके जीवन भी बदल जाए मेरे प्यारे परमेश्वर। ओ रिखा बाबा 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 शबाला बा, ओ मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु, ओ जितने विरोध करते प्रभु होने दे पिता, वही लोग प्रभु प्रचार करना शुरू कर दे मेरे पिता, वही लोग तेरे वचन को लेकर, ओ तेरा वचन को सुनाने पाए रबा। ओ रिखा बाबा मा शनेरिया ओ नरा खाशी बाबा बा शानदरा रखो दे रिया शबानदरा रबो शबाला बा। पिता हम धन्यवाद देते हैं प्यारे परमेश्वर प्रभु, पिता हमारे झारखंड प्रदेश को भी ब्लेस कर, हमारे मुख्यमंत्री को भी प्रभु ब्लेस कर मेरे पिता, होने दे प्यारे परमेश्वर प्रभु, उन्होंने जो रोजगार का वादा किया था मेरे प्यारे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं पिता हर एक जवानों के लिए पिता परमेश्वर, तू पाई करना मेरे खुदा, हम प्रार्थना करते हैं अच्छी रीति से शासन करने में सहायता और मदद कर, हमारे झारखंड प्रदेश के तमाम मंत्रिमंडल पार्षद नेतागण को प्रभु हम तेरे हाथ में समर्पित करते हैं, हर एक के संघों ले पिता, हर एक की अगुवाई करना मेरे पिता परमेश्वर, अपनी महिमा में उपस्थिति में ले लेना खुदा। हम धन्यवाद देते हैं, तूने हमारी प्रार्थना को सुना है, उत्तर दिया प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन, हालेलुया। एक बार अपना मोबाइल चेक कर लें, आप मोबाइल चेक कर लें, किसी का मोबाइल साइलेंट में नहीं है, आप उसको साइलेंट में डालें या स्विच ऑफ कर दें। अगर आपको नहीं आता है स्विच ऑफ करने के लिए, साइलेंट में रखने के लिए, आप अगल बगल से पूछ लीजिए। आइए हम अपने जगह में खड़े हो जाएं, अपने हाथ में बाइबल लें, हर एक व्यक्ति अपने हाथ में बाइबल लें, ऊंचा उठाएं, हालेलुया। आपको मालूम है यह क्या है? परमेश्वर का जीवित वचन है, हालेलुया। इन्हीं वचनों के द्वारा सारे जगत को उसने बनाया, इन्हीं वचनों के द्वारा परमेश्वर सारे जगत के सारी चीजों को रचना किया, उसके नाम की महिमा स्तुति हो। सब मिलकर के ऊंची आवाज से बोलेंगे, ये मेरी बाइबल है, इसमें परमेश्वर के जीवित वचन है, ये वचन मेरे लिए है, इसमें जीवन मिलता है, यदि मैं इसे आदर के साथ सुनूंगा, पढ़ूंगा, इसका सम्मान करूंगा और इसके कहनुसार चलूंगा, तो मेरा जीवन बदल जाएगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। ये दोधारी तलवार से अधिक चोखा है, जो तलवार जो चीज को नहीं कर सकता है वो ये चीज ये करता है, हालेलुया, हालेलुया। इस समय हम भजन संहिता का पढ़ने में भाई डीवराव हमारे सामने आएंगे, भजन संहिता से हमारी अगुवाई करेंगे।
परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर अद्भुत महान और प्रेमी परमेश्वर है और ये अवसर दिया कि हम परमेश्वर की महिमा करें। हम लोग भजन संहिता 62 अध्याय निकालेंगे और बारी बारी से पढ़ेंगे। मैं पहले पढ़ूंगा, फिर आप पढ़ेंगे, लास्ट में एक साथ 12 पद को पढ़ेंगे हम लोग। सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूँ, मेरा उद्धार उसी से होता है। तुम कब तक एक पुरुष पर धावा करते रहोगे कि सब मिलकर उसका घात करो? वह तो झुकी हुई भीत या गिरते हुए बाड़े के समान है। हे मेरे मन, परमेश्वर के सामने चुपचाप रह, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। मेरे उद्धार और मेरी महिमा का आधार परमेश्वर है, मेरी दृढ़ चट्टान और मेरा शरण स्थान परमेश्वर है। सचमुच नीच लोग तो अस्थाई और बड़े लोग मिथ्या हैं, तौल में वे हल्के निकलते हैं, वे सब के सब सांस से भी हल्के हैं। परमेश्वर ने एक बार कहा और दो बार मैंने यह सुना है कि मिथ्या सामर्थ परमेश्वर का है। एक साथ पढ़ेंगे। और हे प्रभु, करुणा भी तेरी है, क्योंकि तू एक एक जन को उसके कामों के अनुसार फल देता है। लास्ट पद बोलता है, और हे प्रभु, करुणा भी तेरी है, क्योंकि तू एक एक जन को उसके काम के अनुसार फल देता है। हालेलुया। परमेश्वर दाऊद को चुना है, अच्छा बैठ जाएंगे। परमेश्वर अद्भुत और प्रेमी परमेश्वर है और हम लोगों को चुना है। जब इस अध्याय को हम पढ़ रहे थे तो मेरे जीवन की बहुत सारी बातें यादें आ रही थी और हम एक बात सोच रहे थे कि हम जितने लोग यहां बैठे हैं बहुत बड़ी परीक्षा के साथ पास होकर के यहां आए हैं। अगर आप अपने बारे में देखें तो कई परेशानियों के बाद यहाँ पर पहुँचे हैं। राजा दाऊद के बारे में जब हम सोच रहे थे, परमेश्वर इसराइल का राजा होने के लिए साउल को चुना था, परंतु स्थिर ना रह सका, जिसके कारण परमेश्वर दाऊद को चुना। अगर दाऊद के बारे में हम विचार करें तो अगर नीचे देखें तो एक चरवाहा है, ऊपर देखें तो सबसे बड़ा राजा है, लेकिन उसके साथ जो परिस्थितियां है यहां पर खड़ा कर दिया है। बोलता है कि सचमुच मैं चुप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूं, मेरा उद्धार किससे होगा? परमेश्वर, हम एक एक का उद्धार करने में वो सामर्थ्य है। यहां पर लिखता है कि दाऊद जो है अपने आप को चुपचाप रखता है और इंतजार करता है कि परमेश्वर उसको आशीषित करे। आगे बोलता है कि सचमुच वही मेरा चट्टान और मेरा उद्धार है, वह मेरा गढ़ है, मैं अधिक ना डिगूंगा। आगे बोलता है तीसरा पद में, तुम कब तक एक पुरुष पर धावा करते रहोगे कि सब मिलकर उसका घात करो? वह तो झुकी हुई भीत या गिरते हुए बाड़े के समान है। प्रियो, आप अगर देखेंगे अपने बारे में, मसीहत को देखेंगे, चारों तरफ लोग विरोध करते हैं, कई बातों को बोलते हैं, लेकिन परमेश्वर के लोग चुपचाप रहते हैं। ठीक उसी प्रकार से
झुकी हुई भीत के समान। और झुकी हुई भीत को अगर संभालना हो तो उसके लिए एक टेक की जरूरत पड़ती है, और तभी वो टिक सकता, नहीं तो गिर जाएगा। ठीक उसी प्रकार से हमारा जो टेक है वो सारी सृष्टि का करता है, जो हमको टेक लगाए हुए है, नहीं तो गिर जाएंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं इतना मसीहों को तकलीफ दिया जाता है तो भी लोग कुछ नहीं बोलते हैं, क्योंकि वो लोग किसके ऊपर टेक लगाए हैं? सारी सृष्टि के कर्ता के ऊपर। कई जगह हम लोग देखते हैं चर्च को तोड़ देता है लोग, तो कोई कुछ नहीं बोलता है। कई बार बहुत सारे लोग, अन्य लोग बोलते हैं कि ये लोग यूनिटी में नहीं आते हैं, परंतु हम लोग तो महान यूनिटी में हैं। इस बात को दाऊद ठीक से जानता था, और इसलिए बोलता है कि झुकी हुई भीत के समान। और गिरते हुए बाड़े के समान है। अगर आप परमेश्वर का वचन से देखेंगे, हमको बड़ा अच्छा लगा एक वचन पढ़े तो, कुलिसियों की पत्री और उसका 12 अध्याय में लिखता है, इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा, भलाई, दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। परमेश्वर हमको और आपको चुना है जिस प्रकार से दाऊद को चुना था। जब परमेश्वर के सामने दाऊद इस प्रकार से हम्बलनेस को दिखाता है, हम और आप उसके सामने क्या हैं? और इसलिए पौलुस इस बात को बोलता है, 17 पद में बोलता है, वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो, और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। आज परमेश्वर हमको और आपको इसीलिए चुना है। अगर आप मत्ती 5 अध्याय और उसका 14 पद में देखेंगे तो बोलता है तुम पृथ्वी के नमक हो। और नमक के बारे में आप सबको ही जानते हैं, क्योंकि सब खाते हैं। ज्यादा हो गया तो भी सब्जी बेकार हो गया, कम हो गया तो भी सब्जी बेकार हो गया। जो भी खाते हैं आप नमक ठीक भर डालते हैं, ना कम ना बेसी। हमारा मसीही जीवन भी इसी प्रकार से, दाऊद इस बात को अच्छी तरह से जानता है, और इसलिए बहुत संभल संभल करके बोलता है और काम भी करता है। यही गलती शाऊल किया जिसके कारण संभल नहीं सका। आज प्रियो, अगर हम और आप भी परमेश्वर चुना है, बहुत अद्भुत बात है, परमेश्वर यहाँ पर लाया ये भी बड़ी बात है, परंतु अगर हम संभल ना सके तो शाऊल के समान हो सकता है। लेकिन अगर हम दाऊद के समान अपने जीवन को जीते हैं तो परमेश्वर का वचन बोलता है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। 15 पद में बोलता है कि तुम जगत की ज्योति हो। जगत की ज्योति का मतलब क्या? उजाला देना, सब चीज को बता देना, आपको लोग देख करके अपने पापों को एहसास कर सके, अपने गलतियों को लोग समझ सके। ये बहुत जरूरी है आज हमारे लिए। दाऊद अपने समय में काम करके चला गया, परंतु परमेश्वर आपको और हमको उस स्थान पर आज रखा है। जिस प्रकार से कोई भी ऑफिस में आप नौकरी करते हैं, 60 साल के बाद रिटायर हो जाते हैं, फिर आप दिखाई नहीं देते हैं, उसी प्रकार से दाऊद अपने जमाने में काम करके चला गया, उसका समय था। आज आपका और मेरा समय है कि हम किस प्रकार से काम करते हैं। अगर मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 पद में आप देखेंगे तो वहां पर बोलता है कि तुम्हारे भले कामों को देख करके तुम्हारे स्वर्गीय पिता की लोग क्या करें? बड़ाई करें। आज हम और आपको आदर्श बनना बहुत जरूरी है। अगर हम इन सारे बातों को ध्यान नहीं दे सकेंगे तो याद रखिए कि हम शाऊल के समान ट्रैक से बाहर हो जाएंगे। परमेश्वर हमको और आपको एक मौका दिया है कि हम उसकी स्तुति और आराधना करें। 5-7 पद में परमेश्वर का वचन में लिखता है कि वो इंतजार करता है। आज हमको और आपको इंतजार करना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने की जरूरत है, ताकि परमेश्वर हम और आपको इस संसार में एक ज्योति के समान बहुत सारे लोगों को मार्ग दिखाने के लिए तैयारी अगुवाई कर सके। परमेश्वर इसीलिए हमको और आपको चुना है। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का अद्भुत वचन हमारे और आपके जीवन में अद्भुत तरीके से काम करे, और हम जब तक इस संसार में हैं
परमेश्वर के लिए एक बड़े उदाहरण बनकर के खड़े हो जाए। परमेश्वर का धन्यवाद हो सबको। जय मसीह की। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो, उसका धन्यवाद हो। हालेलुया, सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम विश्वास करते हैं सबने आशीष पाया है। आइए हम अपने जगह में खड़े हो जाएं। इस समय ऑफरिंग होगा, बच्चों की सेवकाई, मीडिया डिपार्टमेंट, दशवांश के बुक्स, उठाने वाली भेंट, परमेश्वर की महिमा के लिए हम समर्पित करते हैं। जो कोई ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं, आप पीछे तरफ में QR कोड सटा हुआ है, उसके द्वारा भी पेमेंट कर सकते हैं। और जो इनकम टैक्स रिबेट चाहते हैं, भाई गिद्योन गाड़ी से आप संपर्क करें जो ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, ताकि आपको रसीद मिलने पाए। और ऑफरिंग के लिए, ऑफरिंग के बाद एंजल प्रार्थना करेंगी। Sorry.
नजर उठाऊंगा। तेरी सहायता कहाँ से आएगी, तेरी सहायता कहाँ से आएगी, जिसने आसमान या जमीन बनाई है उसी खुदा को मैंने मददगार पाया है। मदद वहीं से मैं तो पाऊंगा, मदद वहीं से मैं तो पाऊंगा। पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा। परमेश्वर हमारी सहायक है, परमेश्वर हमारा ढाल है। हालेलुया, उसके नाम की स्तुति महिमा हो। उसकी तरफ हम अपनी नजरें उठाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी स्तुति तारीफ हो तेरे परमेश्वर, तेरे नाम की जय जयकार करते हैं। हालेलुया, सबके अपने हाथों को उठा करके हम प्रार्थना करें। दान दसवांश उठाने वाली भेंट, ये प्रार्थना निवेदन के लिए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, सबके ऊंची आवाज से प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, स्तुति तारीफ मेरे परमेश्वर। हालेलुया, जीवित सामर्थ्य पिता, धन्यवाद यीशु मसीह। हालेलुया, तेरी महिमा आराधना और स्तुति करते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं तमाम आशीषों के लिए प्रभु जी, जो आपने हमारे जीवन में भरपूरी के साथ दिया है। धन्यवाद देते हैं चंगाई के लिए पिता परमेश्वर, जो आपने हमारे जीवन में प्रतिदिन को देते हैं पिता। धन्यवाद पिता परमेश्वर। हालेलुया प्रभु, हम सब आपके चरणों के निकट आज की सुबह में आते हैं, कहना चाहते हैं पिता परमेश्वर कि आज आप हमें अभिषेक कीजिए। आज पिता परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा कीजिए पिता, और हमारी प्रार्थना को स्वर्ग में ग्रहण कीजिए यहोवा परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं, पिछले समय आपने हमें संभाला है प्रभु। पिता परमेश्वर बहुत सारी गवाहियां हैं पिता परमेश्वर, और बहुत सारे ऐसे निवेदन है प्रभु जो आज आपके क्रूस के निकट लाते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु आज स्वर्ग में होकर के उसे ग्रहण कीजिए पिता। जितने बीमार हैं पिता परमेश्वर, उन्हें पूरी रीति से चंगाई दीजिए प्रभु। जिन्होंने पिता परमेश्वर यहाँ पे प्रार्थना निवेदन दी कि पिता उन्हें चंगाई चाहिए, उन्हें पिता परमेश्वर अच्छी जगह में नौकरी चाहिए, उन्हें पिता सफलता चाहिए, यहोवा परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, एक कलीसिया एक मन होकर के खुदावंद बाप कि उनकी इच्छाओं को आप पूरा कीजिए पिता, अपने समय के अनुसार कि हर मनोकामना को आप पूरा कीजिए यहोवा परमेश्वर। और इस प्रोसेस में प्रभु उन्हें धीरज दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि वो धीरज के साथ प्रार्थना में बने रहे यहोवा परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं जितनी भी भेंट यहाँ पर उठाई गई, एक एक दसवां अंश उठाने वाली भेंट, बच्चों की सेवकाई, मीडिया की सेवकाई, हर एक के ऊपर बड़ी आशीष होने पाए। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी की मीडिया के द्वारा हम बहुत सारे लोगों के घरों तक पहुँच रहे हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस पूरे भारत में पिता परमेश्वर, आज टीवी चैनल के द्वारा पिता बहुत सारी आशीषें प्राप्त हो रही हैं यहोवा परमेश्वर। उन तमाम प्रार्थना निवेदनों को जो शुभ संदेश के द्वारा हम तक पहुंचता है यहोवा परमेश्वर, हम उसे आपके हाथ में रखते हैं प्रभु। अपनी शांति अपने अनुग्रह से भर दीजिए प्रभु, एक एक प्रार्थना योद्धाओं को अपने अनुग्रह से भरिए, अपने सामर्थ्य से भरिए पिता, कि जितनी बार पिता परमेश्वर हम उन प्रार्थनाओं के लिए प्रार्थना करें तो आपका सामर्थ्य उतरने पाए, लोग अपने घरों में आपके चेंज को देखने वाले हो सके यहोवा परमेश्वर। बड़ी सामर्थ को तर दे प्रभु इस अंत के दिनों में, एक एक के अंदर पिता परमेश्वर खराई के साथ चलने वाली आत्मा दे, हम सबों के अंदर परख की आत्मा दे, हम आपकी उपस्थिति में पिता परमेश्वर लबालब भरे रहने पाए प्रभु, आपकी किरणें हम हमारे जीवन में से निकलने वाली हो सके। हम आपका धन्यवाद देते हैं, वचन की सेवकाई को आपके हाथ में सौंपते हैं, पास्टर को दोगों ने सामर्थ के साथ इस्तेमाल कर, हम सबके हृदय को तैयार कर ताकि वचन अच्छी भूमि पर गिरने पाए यहोवा परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद देते हैं, हर एक बातों को आपके पवित्र और सामर्थी हाथ में सौंपते हैं, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। और इस समय हम अगले आराधना के भाग को परमेश्वर के दास रेवरेंड जॉन टोपो के हाथ में समर्पित करते हैं। ताली बजा करके हम स्वागत करें। जय मसीह की, प्रभु का धन्यवाद हो। अपनी जगह बैठ जाएंगे सब। आज की सुबह की आराधना में एक स्वागत है। विशेष रूप से हम धन्यवाद देना चाहते हैं उन सारे प्रियों को जो ऑनलाइन हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, फेसबुक लाइव और यूट्यूब लाइव के द्वारा। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत से आशीष दे। स्वागत है आज की आराधना में हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। इस ऑडियंस में यदि कोई पहली बार हैं, अपनी जगह खड़े हो जाएंगे, उनका विशेष रूप से हम स्वागत करना चाहेंगे। इस समय
पहली बार यदि आप इस आराधना में उपस्थित हैं, खड़े हो जाएंगे अपनी जगह पर। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत से आशीष दे। आपका स्वागत करते हैं। कुछ प्रार्थना निवेदन जरूर आपके पास में होगा। आप इस पीले रंग के फॉर्म में अपना प्रार्थना निवेदन और अपना एड्रेस और टेलीफोन नंबर जरूर लिख करके इसको प्रार्थना पत्र पेटी में डाल दें, ताकि हम लोग आपके साथ में संपर्क करने पाएंगे और हम मिल करके प्रभु की महिमा के लिए आइए हम आगे बढ़े। आइए ताली बजा करके इन प्रियों का हम स्वागत करें। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत से आशीष दे। अपनी जगह पर बैठ जाएंगे। आज 4 बजे लीडर्स लोगों की यहाँ स्पेशल मीटिंग है। आपसे निवेदन है कि जो आप लोग यहाँ पर हैं जरूर उसमें शामिल होवें और कलीसिया की विभिन्न प्रकार की सेवकाई में शामिल होने के लिए आगे बढ़ें। परमेश्वर बहुत आयत से हर एक को आशीष दे। आपकी भागीदारी कलीसियाई सेवकाई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सो आपसे निवेदन है कि जरूर आज 4 बजे यहाँ पर उपस्थित होवें। अगले रविवार से समय सारणी में थोड़ा सा परिवर्तन हो रहा है। मौसम बहुत अच्छा हो गया है। आमेन। आवाज बहुत कम है। मौसम बहुत अच्छा है। आमेन। और इसलिए 7:30 बजे हम यहाँ पर आराधना प्रारंभ करेंगे, पहली आराधना, और ऑनलाइन आराधना 10:30 बजे से यहाँ पर होगी। सो याद रखेंगे, पहली आराधना में आप जो आते हैं यहाँ पर समय पर आवें, क्योंकि 10 बजे हम आराधना को, जो पहली आराधना होगी उसको समाप्त करेंगे। दूसरी आराधना 10:30 बजे होगी, आपका उसमें भी स्वागत है। यदि आप सुबह में नहीं आ सकते हैं 10:30 बजे यहाँ पर आ सकते हैं। 10:30 बजे हम लोग ऑनलाइन यूट्यूब और फेसबुक लाइव के द्वारा हम जाएंगे। सो जितने हमारे ऑनलाइन जो व्यूवर्स हैं, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, इस आराधना में शामिल होते हैं, आप लगातार 8 बजे सुबह में शामिल होते थे, परंतु अगले रविवार से, अप्रैल का 1st वीक से 10:30 बजे से आराधना ऑनलाइन होगी, और जो यहाँ पर आते हैं उनके लिए भी वो आराधना जैसा है वैसे ही चलेगा। सो परमेश्वर हर एक को बहुत आयत से आशीष दे। आज के दिन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसके नाम की स्तुति और तारीफ हो। हालेलुया। आइए हम धन्यवाद करें उस महान परमेश्वर का। प्रेमी दयालु परमेश्वर, आपके चरणों के निकट में पुनः एक बार हम आते हैं, हम धन्यवाद करते हैं अभी तक हमें संभाला है अपने अनुग्रह से। हमारे जीवन की रक्षा करने वाले प्रभु, अपने हाथ में हमारे जीवन को ले। जब आपके वचन पर ध्यान करते हैं, आपकी आशीष की भरपूर बहुत आयत से हमारे बीच में, यीशु नासरी के नाम में, आमीन। परमेश्वर हमें से हर एक को एक ही जिंदगी दिया है, आमीन। और ये जिंदगी आशा से भरा हुआ हमारा जिंदगी है। परमेश्वर हमें से हर एक को एक धन्य आशा दिया है। पहला कोरिंथस का 15:19 में पौलुस प्रेरित इस प्रकार से कलीसिया को लिखता है, जब कलीसिया में पुनरुत्थान के विषय में बहुत प्रकार के प्रश्न थे कोरिंथ की मंडली में खास रूप से, और इसी क्रम में वो 19 में कहता है, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। इसका मतलब क्या है? कई बार हम सोचते हैं कि हमारा जीवन इस संसार में सिर्फ है और हम आने वाले जीवन की तैयारी करना भूल जाते हैं। हम अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत रखने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करते हैं और ये अच्छी बात है। नाम सम्मान इत्यादि को मेंटेन करने के लिए हम परिश्रम करते हैं, अपने स्वास्थ्य को मेंटेन करने के लिए हम मेहनत करते हैं, सारी चीजें अच्छी है। परंतु प्यारो, आज परमेश्वर इससे भी बढ़कर मेरे आपके जीवन को एक और धन्य आशा की ओर ले जाना चाहता, ताकि हम और आप अपने उस धन्य आशा के बारे में हम समझने पाए। स्वाभाविक है कि जब हम प्रभु के पीछे चलते हैं तो हमारे जीवन में अलग अलग आशाएं होती है।
यीशु मसीह के शिष्य लोग भी जो सब कुछ छोड़ करके यीशु के पीछे हो लिए थे। मत्ती सुसमाचार उसका 19 अध्याय पद संख्या 27 में पत्रस कहता है, हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए तो हमें क्या मिलेगा। यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो, 12 सिंहासन पर बैठकर इसराइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है उसको 100 गुना मिलेगा और वो अनंत जीवन का अधिकारी होगा। एक दिन में पत्रस को समझ में नहीं आई कि क्या ये बोल रहा है। आगे चल करके हम देखते हैं प्रेतों के काम उसका 1 अध्याय 6 पद से 8वें पद तक यीशु मसीह के चेले इकट्ठे होकर के उससे पूछा, हे प्रभु क्या तू इसी समय इसराइल को राज्य फेर देगा। अर्थात इन वचनों को पढ़ने से क्या मालूम पड़ता है कि यीशु मसीह के अनुयायी यीशु मसीह के चेले दुनिया में कुछ ना कुछ हासिल करना चाह रहे थे। लेकिन यीशु मसीह ने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक तुम मेरे गवाह होगे। अर्थात प्रभु यीशु मसीह उनको पूरा विश्व को दिखला रहा है, वर्ल्ड मैप को सामने रख दिया कि मेरे पीछे तुम हो लिए, तुम इन सारे जगहों में जाओगे। मत कहना कि हम केवल यरूशलेम में रहेंगे, यहूदिया में रहेंगे, सामरिया में रहेंगे, लेकिन तुम यरूशलेम यहूदिया सामरिया और पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह होगे। यार आज परमेश्वर मेरे आपके आंखों को खोलना चाहता है ताकि हम अपने भविष्य को देखने पाए, अपने आंखों से हम देखने पाए हमारी आशा क्या। कई बार हम सिर्फ अपने ही जीवन को देखते, अपने परिवार को देखते, अपने हित तक हम सीमित रखते हैं, लेकिन परमेश्वर आज मेरी आपकी आंखों को खोलना चाहता है, वो दिखलाना चाहता है कि वो परमेश्वर कितना सामर्थी परमेश्वर है, वो महान परमेश्वर है, अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। और परमेश्वर मुझसे आपसे आज प्रतिज्ञा करना चाहता है। अब्राहम को भी परमेश्वर दिखलाया, 15 अध्याय उत्पत्ति की किताब में हम देखते हैं 5वें पद में परमेश्वर उसको बाहर ले गया और कहा, आकाश की ओर दृष्टि कर और तारा गण को क्या कर गिन, क्या तुम गिन सकते हो। फिर उसने कहा, तेरा वंश ऐसे ही होगा। अर्थात अब्राहम तुम मत सोचो कि मैं निसंतान हूं, मेरे कोई बेटा नहीं, मेरा कोई बेटी नहीं, मैं अकेला हूं। परंतु आकाश की ओर दृष्टि करो और इन तारागणों को गिनो, क्या तुम गिन सकते हो, तेरा वंश ऐसा ही होगा। 22 अध्याय उत्पत्ति की पुस्तक में हम देखते हैं
परमेश्वर स्वर्ग से अब्राहम को पुकार करके कहा, यहोवा की यह वाणी है कि मैं ये अपनी ये शपथ खाता हूं कि तूने जो ये काम किया कि अपने पुत्र अब्राहम अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान मैं अनगिनित करूंगा। ताली बजा करके परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। सो परमेश्वर मेरे आपके आंखों को खोलना चाहता ताकि हम आज जब झारखंड प्रदेश में हैं, कम से कम झारखंड प्रदेश के 32,620 गांवों को देखें, हालेलुया, और यहाँ की आबादी को देखें, एक एक जाति भाषा बोलने वालों को देखें, इस भारतवर्ष को देखें, पूरे ग्लोब को देखें, परमेश्वर अद्भुत रीति से आज मेरे आपके दृष्टिकोण को बदलना चाहता और वो कहना चाहता है कि ये तेरे वंश को मैं दूंगा। और जब सब हमारे हो जाएंगे कोई प्रॉब्लम होगी क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अर्थव्यवस्था अपने ठीक हो जाएगा, शादी विवाह का सारा मामला अपने, बोलिए बगल के व्यक्ति को, ठीक हो जाएगा। हालेलुया। और बहुत सारा प्रॉब्लम जिसके लिए हम स्ट्रगल कर रहे हैं प्यारो, परमेश्वर आज हमारे आंखों को खोलना चाहता है, परंतु कई बार हम सेल्फ सेंटर्ड रहते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय 39 पद से आगे हम देखते हैं किस प्रकार से ये क्रिमिनल लोग यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए और जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे, लूका 23 अध्याय 39 पद से आगे, जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं, तो फिर अपने आप को और हमें बचा। यह किस बात का द्योतक है? आप भी बच जाओ, मैं भी बच जाऊं। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से नहीं डरता, तू भी तो वही दंड पा रहा और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी शुद्धि लेना। दोनों का दृष्टिकोण में फर्क है या नहीं? एक बोल रहा है, अगर तू मसीह है अपने आप को और हमें बचा, अर्थात ये इसी जीवन में बहुत कुछ अपेक्षा कर रहा है, परंतु दूसरा है जो रियलाइज करे इस बात को कि हम अपने करनी का ठीक फल पा रहे हैं और यीशु मसीह से निवेदन कर रहा है कि यीशु जब तो अपने राज्य में आए तो मेरी शुद्धि लेना। इसको मालूम है कि ब्लेस्ड होप कितना धन्य आशा, कितना अच्छा आशा है। यार आज कई बार हम प्रार्थना करते हैं परंतु हमारा जो लाइफ है ये सेल्फ सेंटर्ड है। मुझे आशीष दे, मेरे घर को आशीष दे, मेरे लोगों को आशीष दे, दैट्स ऑल। परंतु आज परमेश्वर हमारे दृष्टिकोण को बड़े पैमाने पर खोलना चाहता ताकि हम और आप इस बात को देखें, परमेश्वर मुझसे आपसे क्या चाहता है। लूका 10 अध्याय 38 पद से 42 पद तक में जो घटना बैतनिय्याह में हुई, हम देखते हैं यहां पर यीशु मसीह जब मरियम और मार्था के घर में पहुंचा है, 38 पद से 42 पद तक 10 अध्याय। जब वे जा रहे थे तो वो एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। बहुत अच्छा, मार्था ने अपने घर में यीशु को उतारा। मरियम नाम उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुन रही थी।
मार्था घर खोली, लेकिन मरियम परमेश्वर के वचन को सुन रही है। और जब घर खोली तो मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली छोड़ दिया है? इसलिए उससे कह कि बैठ करके केवल वचन ना सुने परंतु मेरी सहायता करे। बहुत अच्छी बात और सच्चाई की बात को बोल रही है। प्रभु ने उत्तर दिया, उससे उत्तर दिया, मार्था हे मार्था, मार्था हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात अवश्य है, और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया जो उससे छीना नहीं जाएगा। मार्था, तू चाहती है कि मैं तुम्हारे घर में आशीष को लाऊं और इस संसार की चीजों को ज्यादा तुम ध्यान देती है, परंतु मरियम उस उत्तम बाग को चुन लिए जो उससे छीना नहीं जाएगा। यारो, आज हम किस बात के लिए चिंता करते हैं? हमारी आशा, हमारा भरोसा, हमारा ध्यान किन चीजों के ऊपर में है? किन चीजों को हम ध्यान देते हैं? किन बातों के ऊपर में हम मन लगाते हैं? परमेश्वर आज मुझसे आपसे पूछना चाहते हैं। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय में बहुत सारे विश्वास के वीरों के विषय में हम यहां पर देखते हैं। 8 पद से लेकर के 10 पद तक में परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं कि विश्वासी अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसमें विरासत में लेने वाला था, और वो नहीं जानता था कि मैं किधर जाता, तो अभी निकल गया विश्वासी। उसने प्रतिज्ञा के वे देश में पराये देश में परदेशी के समान रहकर याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे तम्बुओं में वास किया, क्योंकि वह उस स्थिर ने वाले नगर की बात जोता था जिसका रचने और बनाने वाला परमेश्वर है। विश्वास के साथ में आज परमेश्वर इसलिए कहता है फिलिप्पियों की पत्री 3:20 पद में, हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के आने की हम बाट जो रहे हैं। यारो, आज मेरा आपका ध्यान इस संसार में किन चीजों के ऊपर में? प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय पहले पद से 3 पद तक कि तुम्हारा मन व्याकुल नहीं होना चाहिए। परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान यदि नहीं होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने को जाता हूं। यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी रहो। हालेलुया। परमेश्वर मेरे आपके जीवन में आज बड़ा काम करना चाहता था कि हमारा विश्वास, हमारा भरोसा परमेश्वर के ऊपर में हो, हमारी आंखें खुल जाए और हम परमेश्वर के अद्भुत इंतजाम को अपने लाइफ में देखने पाएंगे। इब्रानी 11 अध्याय पद संख्या 24 से आगे हम और एक व्यक्ति के विषय में हम देखते, विश्वास ही से मूसा जब सयाना हो गया वो फिरौन की बेटी का बेटा कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उससे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना और भी उत्तम लगा, और उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी हुई थी। अर्थात मूसा परमेश्वर के ऊपर में विश्वास किया और फिरौन की बेटी का बेटा कहलाने से वो इनकार कर दिया। आज कई बार हमारी आशाएं इस संसार में सिर्फ और सिर्फ संसारिक चीजों को प्राप्त करने तक ही सीमित रखता है, लेकिन परमेश्वर आज चाहता है कि हमारी आंखें उन चीजों को देखने वाला हो जिसको परमेश्वर मेरे आपके लिए तैयार किया है, मेरे आपके लिए तैयार कर। इसलिए पौलुस प्रेरित फिलिप्पियों की पत्री में इस प्रकार से कहता है 3 अध्याय, मैं इन बातों को आपको स्मरण दिला रहा हूं ताकि हम और आप
परमेश्वर के वचन को ध्यान करते हुए आगे बढ़ने, फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय पद संख्या 7 और 8 पद है। आप इन पदों को लिखते जाएं ताकि आप ध्यान करने पाए, जहां पर पौलुस प्रेरित इस प्रकार से कहता है, परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को मैं हानि समझता हूं, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूं, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं और उसमें पाया जाऊं, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। और इसलिए पौलुस कहता ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, और मैं किसी भी रीति से मरे हुए में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। समझ में आया परमेश्वर क्यों हमें बुलाया है? ताकि हम और आप यीशु मसीह के साथ जी उठने के उस पोजीशन में हम और आप पहुंचने पाए। पौलुस स्थित कहता है कि मैं किसी भी रीति से मरे वो में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। पौलुस प्रेरित के अंदर में एक बहुत बड़ी दिलचस्पी थी और जिसके कारण से वो जो जो बातें मेरे लाभ की थी, पौलुस कहता है मैंने मसीह के कारण उसको हानि समझ लिया। मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को मैं हानि समझता हूं। मेरे नजर में दुनिया की सब चीजें कूड़ा के समान है, क्योंकि मेरा जो टारगेट है वो है प्रभु यीशु मसीह को प्राप्त करना। क्या यीशु मसीह उसको नहीं मिला था? दमिश्क के रास्ते में बहुत सुपर नेचुरल इंसिडेंट को हम देखते हैं, अलौकिक उपस्थिति आई, लेकिन क्या वो उसी से बिल्कुल हो गया पूरा उसका कंप्लीट? नहीं। पौलुस प्रेरित कहता है कि वो तो मेरा बिगनिंग था, वो शुरुआत थी। और इसलिए आज प्यारो कई बार हम और आप अपने पुराने अनुभवों को बहुत घमंड करते हैं। हम अपने जमाने में इतना प्रार्थना करते थे, इतना गवाही देते थे, ये करते थे, वो करते थे, लेकिन अभी क्या हालत है? क्या अभी हम आत्मिक रूप में नीचे गिर गए, या हम ना तो ठंडा है ना तो गुनगुना है, या हम आत्मिक रूप में ऊपर उठ गए हैं? हम किस जगह पर हैं? पौलुस प्रेरित घमंड नहीं करता है कि मैं दमिश्क के रास्ते में बहुत पावरफुल मुठभेड़ परमेश्वर के साथ में हुआ, मैं परमेश्वर की आवाज को अपने कानों से सुना, मैंने ज्योति देखी, परंतु आज मसीह को प्राप्त करने के लिए वो बोलता है कि ये पुराना अनुभव सब क्या है? कूड़ा है, ये कुछ भी नहीं है। मैं मसीह को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ रहा हूं। यार आज कलीसिया को परमेश्वर की आवाज को जो हम पुराने जमाने में सुने उस जगह पर निर्भर नहीं रहा, परंतु हमें आगे बढ़ना है। 12 अध्याय उत्पत्ति की पुस्तक में हम देखते हैं अब्राहम परमेश्वर की आवाज को सुनता है। अब्राहम अपने पिता के घर को, अपने देश जन्मभूमि को छोड़ करके चला जा, और परमेश्वर उसको आवाज दिया, निकल गया। लेकिन परमेश्वर की आवाज को एक बार सुन करके वो बस अब काफी हो गया नहीं बोल रहा है, परंतु हर जगह पर वो परमेश्वर की आवाज को निरंतर देख रहा है। इवन 99 साल में भी वो परमेश्वर की आवाज को सुनता है और परमेश्वर उसे कहता है, हे अब्राहम मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा।
कलिशिया आज हम और आप किस जगह पर हैं? क्या हम और आप कंटिन्यूअसली प्रत्येक दिन परमेश्वर की आवाज को हम सुन पाते हैं? हमारी आशा क्या है? हम किस चीज पर भरोसा रख करके आगे बढ़ रहे हैं? मूसा मिद्यान के जंगल में जलती झाड़ी का दर्शन देखा, परमेश्वर की आवाज को सुनकर के उतरा, आज संस्कर्मों को देखा, परंतु उससे वो सेटिस्फाइड नहीं रह गया जब तक परमेश्वर की अलौकिक उपस्थिति में वो सिनै पर्वत की चोटी पर नहीं गया। हालेलुया। राज कलिशिया के लिए मुझको आपको उस परमेश्वर की महिमा में हमको जाने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता निरंतर। और इसलिए इब्रानी 12 अध्याय में लिखा है, इस कारण गवाहों का ऐसा बड़ा बादल जब हमको छाया हुआ है तो आओ हर एक रोकने वाली और हर एक उलझाने वाले पापों को दूर करके हम अपने सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते हुए हम उसको उसकी ओर हम दौड़े चले जाए। हालेलुया। और यीशु मसीह को हम प्राप्त करने के लिए निरंतर हम आगे बढ़ें। चर्च किस जगह पर आज है? खास रूप से पेंटिकोस्टल चर्च से मैं कहना चाहूंगा कि हम किस जगह पर हैं। क्या आत्मिक रूप में हम और आप बढ़ रहे हैं या आत्मिक रूप में हम डिटेरिएट होते जा रहे हैं, घटते जा रहे हैं? किस जगह पर हैं? आज हमें मूल्यांकन करने की आवश्यकता अपने लाइफ के विषय में। पॉलस फेथ कहता है, मैं उसको उसके मृत्युंजय की सामर्थ्य को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, कि मैं किसी भी रीति से मरे हुए में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे मेरे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल ये काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वो इनाम को पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। हालेलुया। हम में से जितने सिद्ध हैं यही विचार रखें, और यदि किसी में किसी बात पे तुम्हारा और ही विचार हो तो परमेश्वर उससे भी तुम पर प्रकट करे। इसलिए जहां तक हम पहुंचे हैं उसी के अनुसार चलें। हे भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो और उन्हें पहचान रखो जो इस रीति पर चलते हैं जिसका उदाहरण तुम हम में पाते हो। और उस रीत कहता है, क्योंकि बहुत से ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है और अब भी रो रो करके कहता हूं कि वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी है, उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है, वे अपनी लज्जा की बातों पर घमन करते और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाते हैं। आज कलिशिया की आशा क्या है? पृथ्वी की बातों पर मन लगाना या स्वर्गीय बातों पर मन लगाना? यारो, परमेश्वर हम में से हर एक को स्वर्गीय बातों पर मन लगाने के लिए बुलाया है। और वो कहता है कुलुसियों की पत्री 3 अध्याय में, अब जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहां मसीह विद्वान है और परमेश्वर के दैनी ओर जा बैठा। पृथ्वी पर की नहीं बरन स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए, तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित तुम प्रकट किए जाओगे। ताली बजा करके परमेश्वर का धन्यवाद करें। और इसलिए इस संसार में हमको क्या करना है? पौलुस कहता है कुलुसी 3:5 में, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो, अर्थात व्यभिचार को मारो, अशुद्धता को मारो, दुष्कामना,
गलत इच्छाएं, दुष्कामना, बुरी लालसा, लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है, इन चीजों को क्या करो तुम, मारो। मापुआस काल का समय है मसीह समाज में। बहुत सारे लोग 40 डेज फास्टिंग कर रहे हैं, प्रेज द लॉर्ड। 365 दिन में कम से कम 40 डेज फास्टिंग कर रहे हैं, वेरी गुड। परंतु क्या केवल उपवास करने से मर जाता है ये? प्रत्येक दिन इन चीजों को मार डालना है ताकि ये हमारे अंदर में रिवाइव ना होने पाए, क्योंकि इन सारी चीजों के कारण से हमारी जो आशाएं हैं वो टूट जाती है और हम संसारिक चीजों पर मन लगाते हैं। जैसा कोरिंथ की मंडली में प्रॉब्लम आया, फूट हो रहा है वहां पर, लोग बट रहे हैं वहां पर, मुकदमाबाजी वहां पर, व्यभिचार हो रहा है वहां पर, खाने पीने के विषय में कंट्रोवर्शियल, शादी विवाह के संबंध में कंट्रोवर्शियल विवाद हो रहा है। और इस प्रकार से प्यारो पौलुस को कहना पड़ा, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं, हम सबसे अधिक अभागे हैं। और इसलिए आज प्यारो हम में से हर एक के लिए बहुत जरूरी है कि हम अगर प्रभु के ऊपर विश्वास करके आगे बढ़ना चाहते हैं, हम अपने राज्य परमेश्वर की महिमा को देखना चाहते हैं, अपने स्वदेश को देखना चाहते हैं, तो इन चीजों को मारना पड़ेगा अपने लाइफ में प्रत्येक दिन। और कहना पड़ेगा पौलुस फेथ के समान, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, अब मैं जीवित नहीं रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। हालेलुया। और जब ये चीजें खत्म होगी, हमारे बीच में एक बड़ा ब्रेक थ्रू रिवाइवल आएगा। हालेलुया। परमेश्वर कलिशिया के अंदर में एक बड़ी जागृति को लाना चाहता, और इसलिए आज कलिशिया को परमेश्वर तैयार कर रहा है। और इसलिए हमारी आशा इस संसार में क्या है, हम किस बात के लिए भरोसा करते हैं? क्या मार्था के समान दुनिया भर के चीजों को अपने सिर के ऊपर में बोझा लेकर के जा रहे हैं? क्या उस कुकर्मी के समान जो यीशु मसीह को बोल रहा है अपने आप को नीचे उतारो, मुझे भी नीचे बचा लो? यार आज परमेश्वर चाहता है कि हमारा ध्यान उन स्वर्गीय वस्तुओं की ओर रहे, और हमारा अब्राहम के समान हम देखने पाए और गीत गाने पाए, हम विश्वास से एक देश देखते हैं जो स्थिति से है शोभायमान। ये गीत केवल फ्यूनरल सर्विस का नहीं है, ये गीत चर्च सर्विस का भी है। हालेलुया। आज परमेश्वर अब्राहम को दिखला रहा है, अब्राहम देखो पूरा विश्व तेरे सामने खुला हुआ है, खुला हुआ है। और इसलिए जब हम इसको देख पाते हैं, मुझे आपको अपने आप को प्रिपेयर करने की आवश्यकता है, तैयार करने की आवश्यकता है, तैयार करने की आवश्यकता है। और जब हम तैयारी के साथ में आगे बढ़ेंगे प्यारो, हमारे जीवन में एक नया काम होगा, हम परमेश्वर के आत्मा से भर करके हम अपने इस पूरे भारतवर्ष के लिए हम प्रार्थना करेंगे, एक एक राज्यों के लिए प्रार्थना करेंगे, अपने राज्य के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारी आशा क्या है, हम किस बात पर भरोसा रखते हैं? यार आज परमेश्वर मुझको आपको धन्य आशा में जीवन जीने के लिए बुलाया है। पहला थिस्सलुनीकियों ने 4 दिया है, 13 पद से 18 पद तक, यहाँ पर एक ब्लेस्ड होप के विषय में जिसको हम अक्सर पढ़ते हैं, अक्सर फ्यूनरल सर्विस या कंडोलेंस सर्विस में पढ़ा जाता है, लेकिन आज मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो, ऐसा ना होगे तुम दूसरों के समान सुख करो जिन्हें आशा नहीं। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं यीशु मरा और जीवी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे,
सोए होंग से कभी आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उसमें ललकार प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे, तब हम जो जीवित और बचे हुए रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। ताली बजा करके परमेश्वर का धन्यवाद करें कि हम हवा में प्रभु से मिलेंगे, हम हवा में प्रभु के साथ में मिलेंगे। ये है ब्लेसेड होप, धन्य आशा। जब हम बदल जाएंगे, हम हवा में मिलेंगे, दुनिया की चीजें हमारे साथ में जाएंगी, दुनिया की कोई भी चीजें साथ नहीं जाएंगी। यार आज परमेश्वर मुझको आपको उस महिमा में शरीर को देखने के लिए प्रेरित करना चाहता, ताकि हम अपने इस नाशवान शरीर को भी बदलते हुए देखें। कई बार हम मुसीबत में रहते हैं क्योंकि हम अपने बीमार शरीर को दिन और रात देखते रहते हैं कि मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया, मुझे ये है, मुझे वो है। और इसलिए अपने बीमारी अपने दुर्बलता को देखते मत रहिए, लेकिन आप धन्य आशा को देखिए। हालेलुया, कि मैं बदल गया हूं, मेरा शरीर बदल गया है, और इस बदले हुए शरीर में किसी भी बीमारी का आक्रमण नहीं हो सकता, ना तो कोरोना वायरस जितना भी प्रकार का वायरस आएगा उसको टच नहीं कर सकता है। ताली बजा करके परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया, यह शरीर को बचाने के लिए आज हमको प्रोटेक्टिव जोन में रहने की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आएगा महिमा के साथ में, बादलों पर हम उठा लिए जाएंगे, प्रभु के साथ में मिलेंगे, किसी भी प्रकार का वायरस, किसी भी प्रकार का कोई और बीमारी, शैतान का आक्रमण किसी भी रीति से हमारे ऊपर में हावी होने नहीं पाएगा। और इसलिए आज प्यारो अपने आप को हमें तैयार करना है। पहला कोरिंथस का 15 अध्याय को भी थोड़ा देख लें। पौलुस प्रेरित यहां पर उस ब्लेसेड होप के विषय में, धन्य आशा के विषय में जो बात करता है, 15:50 से आगे, हे भाइयों मैं ये कहता हूं कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते। जो शरीर को हम आज हम संभाल के रख रहे, ऐसा ना हो कि आप शरीर को देखे नहीं, आप उसके भंडारी है, जरूर उसको आप रक्षा कीजिए, हिफाजत कीजिए, परंतु पौलुस प्रेरित का कहने का अर्थ यह है कि ये मांस और लहू परमेश्वर के राज्य का अधिकारी नहीं होगा, नाशवान अविनाशी का अधिकारी नहीं हो सकता है। देखो मैं तुमसे भेद की बात करता हूं कि हम सब नहीं सोएंगे, परंतु सब के सब क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे, हम बदल जाएंगे। और ये क्षण भर में पलक मारते अंतिम तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी, मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। नाशवान देह अविनाश को पहन लेगा, मरणहार देह अमरता को पहन लेगा। और जब यह नाशवान अविनाश को पहन लेगा, मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वो वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा, जय ने मृत्यु को निगल लिया। हे मृत्यु तेरी जय कहां रही, हे मृत्यु तेरा डंक रहा। मृत्यु का डंक पाप और पाप का बल व्यवस्था, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो प्रभु के कार्य में, सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ। ये है धन्य आशा। कलीसिया आज इस बात को देख नहीं पाती, और यही कारण है कि हम प्रार्थना में अधिक टाइम नहीं देते, वचन पढ़ने में अधिक टाइम नहीं देते, पवित्रात्मा की भरपूरी में बढ़ने के लिए टाइम अधिक नहीं देते, और दिन और रात हम अपनी जीविका अपने भौतिक चीजों के लिए इतना परेशान रहते हैं। यारो आज मैं कहना चाहूंगा हमें बैलेंस करने की आवश्यकता है, भौतिक चीजों को आत्मिक चीजों को बैलेंस करते हुए आगे बढ़े। और पौलुस जिस प्रकार से प्रेरित करता है हमें, हम आइए हम उस धन्य आशा की ओर आगे बढ़े। परमेश्वर हमें से हर एक को एक ही जिंदगी दिया है। पत्रस प्रेरित कहा क्या मिलेगा,
घर दरवाजा छोड़ के आपके पीछे हो लिए। यीशु मसीह उनको कहा, 12 सिंहासन पर बैठोगे, इसराइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे, 100% मिलेगा तुमको, अनंत जीवन मिलेगा। प्यारो, पत्रस प्रेरित कई बार डिसार्टेड हुआ, बैकस्लाइड हुआ, परंतु पवित्रात्मा की भरपूरी उसके जीवन को रिस्टोर किया और वो कार्य किया जो परमेश्वर की महिमा के लिए अलौकिक कार्य हुए। राज परमेश्वर वही परमेश्वर है, मेरा आपके जीवन में उस धन्य आशा को देता है ताकि हम और आप उस धन्य आशा को पकड़े रहें। परमेश्वर हमें सरे को आशी दे। आंखें बंद करके खड़े हो जाएंगे अपनी जगह पर, हम प्रार्थना करेंगे। उस गीत को गाते हुए हम विश्वास से एक देश देखते हैं जो इस पृथ्वी से है शोभायमान। जब इस गीत को हम गाते हैं, मैं चाहूँगा कि हम और आप अपने जीवन के द्वारा देखने पाए, आंखें खुल जाए हमारी और हम उन स्वर्गीय वस्तुओं को हम देखने पाएंगे, अपने शरीर को बदलते हुए देखने पाएंगे, हमारे जीवन के एक एक भाग को बदलते हुए देखने पाएंगे। परमेश्वर हमें सर एक आशीष दे आज के दिन में। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद करें, अपने हाथों को उठा करके धन्यवाद करें। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, ग्लोरी गॉड ऑलमाइटी, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु तेरे नाम की जय जयकार करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी जीसस, हालेलुया। धन्यवाद करें, मुंह खोले परमेश्वर की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम विश्वास से एक देश देखते हैं जो इस पृथ्वी से है शोभायमान, वहां यीशु मेरे लिए एक रहने का स्थान, थोड़ी देर में वहां यारो जाके हम सब मिलेंगे, थोड़ी देर में वहां यारो जाके हम सब मिलेंगे, काम से विश्राम करेंगे, सुख और क्लेश और सब दुख होंगे दूर, भजन सुंदर मनोहर वहां, तब हम गाएंगे हर से भरपूर। हाथों को उठा के थोड़ी देर प्यारो जाके हम सब मिलेंगे, थोड़ी देर में वहां प्यारो जाके हम सब मिलेंगे, प्रेम और आशीष अनुग्रह संपूर्ण, ये है पिता का अद्भुत वरदान, पूर्वक मन खोल के सदा हम तब करेंगे स्तुति का गान, थोड़ी देर में वहां प्यारो जाके हम सब मिलेंगे, थोड़ी उठा करके प्रभु के हाथों में समर्पण करें अपने जीवन को। हालेलुया, हालेलुया।
धन्यवाद करें। हमारी आशा क्या है यार, आज परमेश्वर चाहता है कि हमारी आंखें खुल जाएं, हम विश्वास से उस देश को देखने पाए, हम विश्वास से हमारे शरीर को बदलते हुए देखने पाए। कई लोग अपने शारीरिक दुर्बलता और बीमारी से यहां पर बहुत परेशान हैं, कई लोग दिन रात चिंता करते हैं अपने शरीर के लिए। परमेश्वर आपसे कहता है, मैं तुमको एक नया शरीर देने वाला हूं, क्या तुम विश्वास करते हो? स्वर्गीय देह मैं देने वाला हूं, वो स्वर्गीय देह जिसमें कोई बीमारी नहीं होगी, महामारी का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, डिप्रेशन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। परमेश्वर आपको छुटकारा देना चाहता, हाथों को उठा करके प्रभु का धन्यवाद करें। लॉर्ड, कौन मुझे इस मृत्यु की दया से छुड़ाएगा? पौलुस ने यह प्रार्थना की। आज मैं और आप प्रार्थना करें, प्रभु इस मृत्यु की दया से मुझको छुटकारा दे, मृत्यु की दया से मुझको छुटकारा दे। डरे नहीं, घबराए नहीं, आपके पास में ब्लेसेड होप है, धन्य आशा है। Sakarala baba baba mama mandara la varala niriri yardana nadi ter par main khada rehta oh mera sundar chain des kanan ko main najar karta kanan ko main najar karta ओ मेरा सुंदर चैन दे कनन को मैं नजर करता कनन को मैं नजर करता विश्वास से देखता हूँ ओ मेरा चैन दे विश्वास से देखता हूँ ओ मेरा चैन दे ओ मेरा सुंदर चैन दे कनन को मैं नजर करता कनन को मैं नजर करता ओ मेरा सुंदर चैन दे कनन को सुंदर चैन दे कनन को मैं नजर करता कनन को मैं नजर करता ओ मेरा सुंदर चैन दे कनन को मैं नजर करता कनन को मैं नजर करता तेर पर मैं खड़ा रहता यदन नदी तेर पर मैं खड़ा रहता ओ मेरा सुंदर चैन देश कनन को ग्लोरी हालेलुया कनन को मैं नजर करता सुंदर चैन दे कनन को मैं नजर करता
सुंदर जैन देश कनन को मैं नजर करता ग्लोरी कनन को मैं नजर करता ताली बजाकर तुम परमेश्वर का धन्यवाद करें वो स्वर्ग के नाम देश परमेश्वर मुझकर आपको ले जाने वाला परमेश्वर प्रतिज्ञा का देश महिमा का देश परमेश्वर मुझकर आपको ले जाने वाला परमेश्वर है उर्रखा बाबा 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 यीशु मसीह की दाहिनी ओर जो डाकू क्रूस पर चढ़ाया गया था उसने कहा ये यीशु जब तू अपने राज्य में आएगा तो मेरी शुद्धि लेना यार आज परमेश्वर से हम यही प्रार्थना करें प्रभु मेरी शुद्धि लेना मुझको आत्मा से भर देना प्रभु प्रार्थना की आत्मा से मुझे भर देना प्रभु वचन से भर देना प्यारे परमेश्वर ताकि मैं उस स्वर्गीय के देश में जाने के लिए अपने आप को मैं तैयार करने पाऊं हालेलुया हमारे जीवित प्रभु जी धन्यवाद करते धन्य आशा के लिए प्यारे परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं तो अपनी प्रजा को प्रत्येक दिन उस नए यरूशलेम का प्रभु एक झलक दिखा दे हालेलुया ताकि संसार की चीजें हमारे जीवन को प्रभु बांधने ना पाए रोकने ना पाए परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निरंतर हम आगे बढ़ने पाए प्यारे प्रभु जिस प्रकार पौलुस दौड़ लगाता था उसी प्रकार हम दौड़ लगाते हुए आगे बढ़े रोकने वाली वस्तु उलझाने वाले पापों को दूर कर हमारे जीवन से हमारी आंखें खोल दे ताकि हम उस महिमा को हम देखने पाएं हालेलुया धन्य आशा को हम देखने पाएं प्रभु परमेश्वर हमारी दुर्बलता को दूर कर कमजोरियों को दूर कर जो शारीरिक रूप में बीमार है प्रभु उनको पूरी चंगाई दे अपने सामर्थ्य हाथ को बढ़ा करके अपनी महिमा प्रकट कर प्यारे परमेश्वर पिता हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं आमीन अब हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट का अनुग्रह ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के संग सदा सर्वदा होती रहे आमीन प्रेज द लॉर्ड जय मसीह की